हेलो एवरीवन, दिस इज हरिंदर साहू फ्रॉम किंग रिसर्च एकेडमी। आप सभी लोगों का स्वागत है कल की बात एपिसोड नंबर 47 में। गाइस, इस एपिसोड में जैसे कि आपको मालूम है कि हम एडवांस में स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, एडवांस में निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स बताते हैं कि किन लेवल्स के ऊपर आपको कल नज़र रखना है, ईगल आई किंग रिसर्च व्यू रखना है। चलिए, सबसे पहले एडवांस में जाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा पीछे का परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ, यानी कि कल जो हमने आपको संडे को एक्सक्लूसिव वीडियो बना के दिया था एडवांस में स्टॉक सिलेक्शन निफ्टी बैंक निफ्टी लेवल दिए थे, आज किस तरह से परफॉर्म किए। जैसा कि मैंने बताया कि निफ्टी किस्ड आवर लोअर लेवल परफेक्टली, लाइव मार्केट में टेलीग्राम में भी बोल दिया था, ये हमारा लक्ष्मण रेखा है ज्ञान थ्योरी के बेसिस पे, और वहीं से आपने देखा 150 पॉइंट कम से कम रिवर्स हुआ। मॉर्निंग में ठोकने के लिए बोला 250 पॉइंट नीचे, फिर उसके बाद रिवर्स बोला, वहां से भी 150 पॉइंट ऊपर। आइए चलिए मैं ले चलता हूँ भाई आपके सामने, यहाँ पर रिजल्ट है। बैंक निफ्टी क्रैश 600 पॉइंट फॉर इंट्राडे इटसेल्फ हमारे लेवल्स पे। आप प्लीज़ कल का बात, आज जो एपिसोड नंबर 46 है वो देख लीजिएगा। जुबिलेंट फूड क्रैश फ्रॉम 1739 से 1691। देखिए जुबिलेंट फूड में क्या बोला था, ये देखिए लास्ट क्लोज 1757, 1772, पैनिक स्लाइड अप टू 1907, 1685। मेरे भाई देखो रिजल्ट देखो, सीट लिमिटेड बोल रहे थे 357 से, एक सेकेंड गाइस, फिर से आज कुछ मिस्टेक हुई है क्या, सी एट नॉट एक्टिवेटेड। ओके सॉरी, वही मैं कह रहा सीएट एक्टिवेट नहीं हुआ, कैसे हो गया, सीएट एक्टिवेट नहीं हुआ है, जो कि मैंने नीचे लिखा है अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट एंड सीएट लिमिटेड एंड एलआईसी, ये तीन कॉल हमारे एक्टिव नहीं हुए। और ऑफ हॉस्पिटल क्रैश 1421 से 1405, टोरेंट फार्मा मेल्टिंग लाइक आइसक्रीम 2520 से 2440, सोचो कितने पॉइंट का है, 60 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट। जुबिलेंट फूड रिजल्ट आपके सामने, बैंक निफ्टी निफ्टी रिजल्ट आपके सामने भाई, देख लेना ये एपिसोड, आप लोग समझ जाओगे। जो ब्लाबला नहीं, हमारा मंत्र है, आवर मोटो, लर्न एंड देन अर्न। लाइव मार्केट में भी आपको मैंने बताया, रिजल्ट आपके सामने। जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया, प्लीज इमीडिएट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करो हमारा लिंक, वो इमीडिएट बेसिस पे ज्वाइन करो, क्योंकि बहुत सारे लाइव कॉल्स आप मिस करने वाले हो। चलो अब बात कर लेते हैं कल की, यानी कि 16 जून में क्या क्या होने वाला है, किन स्टॉक्स पर हम लोग नजर रखेंगे। पहले निफ्टी फ्यूचर्स की बात कर लेता हूं, लास्ट क्लोज 9821, यस बिलो 9890, पैनिक ऑन कार्ड, इफ नॉट क्रॉस 9890 एंड स्टे बिलो 9870 विल सी पैनिक अप टू 9747, 9727। मेरे भाई ध्यान से समझना, अगर थोड़ा सा फास्ट, इफ यू आर अ लॉयन हार्ट ट्रेडर, कल मार्केट खुलने का वेट करना, मॉर्निंग में हम लोग ठोक के चलेंगे, बाई नहीं करेंगे इसको, ठोक के चलेंगे, सेल करके चलेंगे विद स्टॉप लॉस 9927 का, पावरफुल लेवल बता रहा हूं, 9927 का स्टॉप लॉस लगा के इसको ठोक के चलेंगे। और टारगेट बताओ कितना, कमेंट सेक्शन में बताओ, दो सेकंड में पॉज लेता हूं, बताओ कमेंट सेक्शन में फटाफट, कम ऑन। 100 सुनार की एक किंग रिसर्च वाला सोचना, नो चिंदी टारगेट, फिर बोल रहा हूं नो चिंदी टारगेट, 50-30 पॉइंट भूल जा मेरे भाई, जल्दी लिखो फटाफट, कम ऑन। आई वॉन्ट लेवल्स, बैंक निफ्टी का टारगेट मैं क्या देने वाला हूं आपको, लोअर लेवल के टारगेट क्या देने वाला हूं भाई साहब, 9400 और हो सकता है उसके नीचे का भी टारगेट है, तो 9400 मार्क माई वर्ड्स, नोट कर लो डायरी में, और लेट्स सी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। आपको मैंने लेवल्स दे दिए, बैंक निफ्टी लास्ट क्लोज 19921, यस बिलो 19730, हु विल सेव द बैंक निफ्टी, एनीबडी जो सेव करेगा बैंक निफ्टी को, यस विल सी पैनिक साइड अप टू 19256, 18870 और 18300 का भी लेवल आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और ऊपर का जो हडल है 19970, 20127, 20127 के ऊपर ही मैं बाइंग करना सोचूंगा, अदरवाइज टॉप पे है सिर्फ ठोको बात खत्म। और अरविंद तो पहला स्टॉक सिलेक्शन दूंगा, लास्ट क्लोज 769,
बिलो 760 बिग पैनिकॉन कार्ड भाई फार्मा आज देखो थोड़ा सा डगमगा रहा था, हिल रहा था, लास्ट में रिलायंस ने थोड़ा सा ऊपर कर दिया, इसने निफ्टी को थोड़ा सा खींच के लेके गया, क्योंकि मैंने आपको याद है ना मैंने एक स्ट्रेटेजी दी है निफ्टी सेवन हैंड, जिसने नहीं देखा है, जो लोग नए मेरे फॉलोअर्स हैं, जो नई फैमिली मेंबर्स हैं जुड़ते जा रहे हैं, प्लीज निफ्टी सेवन हैंड देखो ऊपर बेल आइकन में आ गया होगा, वो जरूर जाके देख लेना, आपको समझ में आएगा मार्केट रिलायंस कुछ सेवन हैंड्स निफ्टी को ऊपर नीचे करते हैं, ना कि निफ्टी स्टॉक्स को ऊपर नीचे करते हैं, वो सेवन हैंड क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए, जरूर देखना। चलिए अरविंदो 760 नीचे आपको मैंने पैनिक बताया, हनीमून विल बी ओवर इन फार्मा सेक्टर, यस 727 716, ध्यान से समझना 727 716 का लेवल हमें दिख जाएगा विद स्टॉप लॉस 776 781। सेकेंड स्टॉक सिलेक्शन जिंदल स्टील है, लास्ट क्लोज 135.50, यस बिलो 133, ओनली पैनिक ऑन कार्ड अप टू 123, 10 पॉइंट का टारगेट है और 119 का टारगेट रहेगा, कीप स्टॉप लॉस 137। डीसीबी बैंक लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरे भाई, लास्ट क्लोज 72.90, बिलो 72 पैनिक ऑन कार्ड, 68 से 66 का लेवल आपका डीसीबी बैंक में आ जाएगा। फिर बोल रहा हूं गाइस, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट ये आपको लगाना ही पड़ेगा, चाहे कोई कितना पावरफुल आपको लेवल दे दे, अगर आप इसको नहीं लगा पा रहे हो, और इसकी वीडियो भी मैंने SRM स्ट्रेटेजी देखो यूट्यूब में सबसे ऊपर पड़ी हुई है, बिल्कुल ऊपर पड़ी हुई है, टॉप पे फ्रंट पेज पे ऊपर पड़ी हुई है, या तो फिर SRM किंग रिसर्च हैरी करके ढूंढ लेना, आप वो SRM का जरूर देख लो मेरे भाई, वो ऐसी स्ट्रेटेजी है, रामबाण है वो, 100% गारंटी वाली स्ट्रैटेजी है वो, 100% गारंटी। आप कहते हैं ना कुछ नहीं होता स्टॉक मार्केट में गारंटी, भाई स्ट्रैटेजी में गारंटी नहीं होता, स्ट्रैटेजी कोई पावरफुल नहीं होती, कभी पावरफुल होती है, कभी थोड़ी हल्की हो जाती है, कभी कुछ हो जाती है, कभी कुछ होते, बट रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट ये लगाओगे तो ही पैसा बनेगा, गांठ बांध के समझ लेना, बाकी आपकी मर्जी मेरे भाई। ठीक है, रूल्स कुछ है भाई, पहला 5 मिनट का कैंडल प्लीज अच्छे से देखना, भगा के देखते हो इसलिए बाद में आप बोलते हो ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, रूल्स समझ लेना, पहला 5 मिनट का कैंडल अगर बाई दे रहा हूं, ब्रेक करता है हाई जाएगा तो ही बाई करना, 5 मिनट का कैंडल का वेट करना, उसके बाद ही अगर एक्टिव होगा तो काम करना। सिमिलरली सेल में भी पहला 5 मिनट का कैंडल का वेट करो, सेल आता है तभी हम सेल करेंगे, अदरवाइज सेल नहीं करेंगे, ये मेरा आपको डिस्क्लेमर रहेगा। 2% का मैक्स टू मैक्स स्टॉप लॉस लगा के रखना है, चाहे मैं दूं या ना दूं, बाई डिफॉल्ट लगा, अगर दे रहा हूं तो वो लेवल्स फॉलो करो, अदरवाइज 2% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए बॉस, दिस इज क्लियर एंड आउट। और एज ए मैं सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट में डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, हो सकता है कुछ पोजीशंस मेरे पास हो सकता है कल मैं कुछ काम करूं, हो सकता है मैं अपने कुछ क्लाइंट्स को काम करूं, तो आपकी जिम्मेदारी है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करके आप ट्रेड लेने की कोशिश करो, और अगर ये एडवांस लेवल कैसे निकाले जाते हैं सीखना है, और आज जैसे लाइव कॉल्स हमने दिए डंके की चोट पे आप लोगों को, फ्राइडे को हम फेल हो गए थे, काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि सर आपके कॉल्स पिट गए, भाई मैं भगवान नहीं हूँ, मेरे कॉल्स भी पिटते हैं, बट मैं ये कह सकता हूँ मेरे को कंटिन्यू 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन फॉलो करो, आप सबको अनसब्सक्राइब कर दोगे, आप खुद ही बताना किसको सब्सक्राइब आपने किया है, काम बोलता है नो ब्ला ब्ला, देखो मेरा काम। ठीक है, तो जो लोग हमारा 6 जुलाई से क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, 10 दिन की क्लास होती है, 1.5 से 2.5 घंटे की क्लास होती है, होमवर्क दिया जाता है, प्रॉपर मेंटरशिप मिलती है, प्रॉपर सपोर्ट मिलता है, लाइव मार्केट में टिप्स नहीं खुद टिप्स बना के ट्रेड करना सिखाता हूं भाई, आप लोग टिप्स बना के मुझे भेजो, टाइम लगेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है मेरे पास, खुला बोल रहा हूं टाइम लगेगा, टाइम दे दोगे आपकी लाइफ सवर जाएगी, नहीं दोगे भाई आज नहीं तो कल, यही हैरी को याद करोगे, यार हैरी बोल रहा था सीखने के लिए, काश मैं उस टाइम सीख लेता तो आज मेरी ये लेवल नहीं होती, ध्यान से समझना भाई, एक्सक्यूज तो आपके पास हजारों है, बाकी आपकी मर्जी है। थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, अगर मेरा वीडियो समझ में आया लाइक करो सब्सक्राइब करो, मेहनत लगती है, अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है और आपकी हेल्प हो रही है गाइस, शेयर करना ना भूलो, लाइक ठोकना ना भूलो, ये मेरी आपसे फ्री में आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, अगर प्यार मिलता रहेगा वीडियो कंटिन्यू करेंगे, नहीं मिलेगा तो मैं भी आपको जय माता दी बोल दूंगा सर। ओके चलिए, थैंक यू सो मच, तो आज का विचार क्या है हमारा, अगेन घर पे रहिए, सेफ रहिए, क्वारंटाइन का टाइम चल रहा है, नंबर्स बढ़ रहे हैं भाई, ज़्यादा जोश जोश में मत आइए, 2-3 महीने आपने काट लिए, 1-2 महीने और काटने की कोशिश करो, थोड़ा सा जब तक बिल्कुल इमरजेंसी ना हो घर से बाहर ना निकलो। और आज एक भाई ने, मैंने आपको टेलीग्राम में वीडियो डाला, मेरे कहने पे गलती से उस भाई को, मन कर रहा होगा उसका भी, मन तो होगा 100%, बट टाइम नहीं मिल पा रहा हो, वो मेरा फॉलोअर्स था, उसने फॉलो करके
भाई एक चिड़िया खाना डालने का एक कुछ लेके आया वो, राइट, और उसने अपने घर के पीछे लगाया, मतलब घर के बालकनी में लगाया। और गाइस बिलीव मी, एक दिन लगाया उसने, वीडियो भेजा, सर आप पे कहने पे मैंने ये लगाया और चिड़ियों को मैं खाना खिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओ भाई आज उसने डाला कि सर एक पैरट बकायदा खाना खा रहा है, उसका वीडियो भी टेलीग्राम में डाला। यार इससे बढ़िया क्या चीज़ हो सकती है, सोच के देखो यार। आप खुद चाहते थे बट कहीं ना कहीं आपको किक लगी, आपने वो इनिशिएट किया, और आज वो मेरे से शेयर कर रहा था कि उससे मेरी पूरी फैमिली फुल एक्साइटेड थी। भाई सोचो देखो, मजा आ गया ना, मतलब आपने लगाया और अचानक से, क्योंकि उम्मीद नहीं होती कि एकदम से आ जाएंगे, और अचानक से एक पैरट आके खा रहा है, वाओ भाई साहब दिस इज वंडरफुल, बिग सल्यूट टू दैट पर्सन गाई। भाई दिल खुश कर दिया, मजा आ गया, नो डाउट आपका। प्लीज गाइस मैं तो बोलूंगा उनको मेरी तरफ से बहुत प्यार, और आप लोग भी उनको प्लीज प्यार दीजिए, नो डाउट। मजा आ गया था भाई, 14 जून को उन्होंने मेरे को बोला था, सर आपके कहने पर डाला है, वो वीडियो में लिख के भेजा था, अभिषेक जी उनका नाम है, अभिषेक जी, थैंक यू अभिषेक जी, लव यू यार, थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कल मिलते हैं लाइव 9:15 पे किंग रिसर्च टेलीग्राम के साथ, थैंक यू।